भगवान भी इस दुनिया में कैसे कैसे खेल खेलता है, एक तरफ खुशियां देता है तो दूसरी तरफ गम। ऐसी ही घटना उत्तराखंड के चंपावत जिले स्थित सुईपऊ गांव में हुई, जहां एक तरफ बेटी की डोली उठी तो वहीं दूसरी ओर कुछ घंटे बाद ही पिता की अर्थी। मिली जानकारी के अनुसार सुईपऊ गांव के सिमल तोक में दीपक चंद्र जोशी की छोटी बेटी सुनीता की कल शादी थी। विवाह की सभी रस्में अदा करने के बाद लाडली बेटी को ससुराल देवीधुरा की ओर विदा किया गया। अगले ही क्षण परिवार में मातम छा गया। लंबे समय से बीमार पिता के एकाएक निधन की खबर आ गई। बताते चलें कि पिता की तबीयत खराब होने पर उन्हें चंपावत के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी कारण कन्यादान चाचा प्रकाश जोशी ने किया। शादी के शुभ कार्य में विघ्न न हो, इसलिए परिजनों को मौत की सूचना नहीं दी गई। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार रामेश्वर घाट में कर दिया गया है।